उसकी आज भी बॉडी लड़की की हमने घर पे देखी बॉडी, तो लड़की पूरी शक्ल देखने लायक नहीं थी, लड़की फांसी हो जाए उनकी तरफ से, फांसी हो, जब फांसी होगी तभी तो आगे 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 भी हमें भी खतरा है ना। कपड़ा कहाँ गया लड़की का बताओ तो, एक बारी कुछ भी नहीं है लड़के तन पे, एक भी कपड़ा नहीं लड़की के। ये तो झूठ बता रहे हैं ना, इनसे पूछो घर वाले से कहाँ जा रहे हैं, तो पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं ना। इसी रोड पे 10 बजे के बाद देख लो तो यहाँ पे लड़के ही मिलेंगे खड़े हुए, वो तो इसी रोड पे कहेगी यहाँ कोई औरत तो सुरक्षित है ही नहीं। हमारे जो बहन बेटियाँ घर से बाहर निकलने के लिए जो बिल्कुल भयभीत हो जाएंगी, और इसको रोका जाना चाहिए। अगर जो पुलिस सही समय पे मुस्तैद होती तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है कि आए दिन एक से केस मिलते हैं, लड़कियां रात को नहीं निकल सकती हैं, तो इनको फांसी के फांसी दे दी जाए बस। मौजूद हूँ दिल्ली के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में, और यहाँ पर शमशान घाट में जिस तरीके से वो लड़की के साथ जो दिल दहलाने वाली घटना हुई, वो उसी इसी एरिया से कंझावला घसीटते हुए ले जाते हुए वो 5 लड़के लेके गए थे, उसी के चलते आज देखिए कड़ाके की कितनी ठंड है। और यहाँ पर तमाम लोग जो है एकत्रित है, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, पूजा आप यहीं पर रहती हैं? आप कोई मतलब उनके पड़ोस की है या फिर? पहले मैं रहती थी वहाँ पे रेंट पे, अब मैं नजफगढ़ रहती हूँ। अच्छा, ये पूरा जो वाक्या हुआ है इस पर क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ हुआ है कुछ बता सकती हैं आप? जी मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बाकी उसके साथ जो भी हुआ है ना, लेकिन बुरा ही हुआ है, ठीक है, बहुत बुरा हुआ है। लड़कों को तो फांसी ही मिलनी चाहिए, और फांसी से बुरी कोई मौत है ना तो वो भी मिलनी चाहिए। तो अभी तक जो पुलिस वालों का जो कहना है कि वो कह रहे कि दुर्घटना है, घटना हुई है, पुलिस वाले तो एक नंबर के दल्ले हैं, वो तो बोलेंगे उनका तो काम ही यही है, जब कोई घटना हो जाती है खत्म तब पहुँचते हैं वो तो वहाँ पे। वो इस तरीके की सुबह से जो खबर दिखाई जा रही है टीवी मीडिया पर कि लड़की के साथ वो अकेली नहीं थी, एक और लड़की थी उसके साथ। हाँ जी ये तो बता रहे हैं। हाँ है, रियल है? हाँ रियल है। अच्छा, तो ये जो बाकी लड़की का नाम भी निधि था लड़की का नाम। हाँ, तो उसकी साथ वाली जो लड़की थी वो बची हुई है? साथ वाली लड़की की फोटो है तो बची हुई है वो थाने में, लड़की शायद थाने में। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल, आप वही रहते हैं? हाँ जी, मैं पन्नी मार्केट में रहती हूँ। आप किसकी बहन है? मैं अंजलि की, दो मकान छोड़ के बगल में रहती हूँ। अच्छा, बगल में ही रहते हैं। तो ये पूरा वाकया हुआ है और दिल्ली की इतनी बड़ी घटना हुई है, उसको लोग जो है बराबर लीपा पोती की कोशिश की जा रही है। ये झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कुछ गलत नहीं, लड़की के साथ गलत हुआ है, रेप भी हुआ है लड़की के साथ, लेकिन ये झूठ बोला जा रहा है हर चीज के, लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, बयान चेंज कर चुके हैं लड़की का। अभी तक टीवी मीडिया तो ऐसी खबर दिखा रही है कि दुर्घटना हुई है, कि आप रेप की बात पर वो लड़की पूरी पूरी अगर एक्सीडेंट होता कुछ तो बॉडी पे कपड़ा तो होता, बॉडी पे तन पे एक भी कपड़ा नहीं लड़की के, पूरा लेटी कैसे देखा, पूरी बिल्कुल पूरा हो सीधी लेटी हुई है। और वही कमाने वाले घर के मम्मी की किडनी खराब है, मजबूरी में उस लड़की ने पैर बाहर निकाले अपने, काम कर रही थी लड़की, बहुत ज्यादा अच्छी है। रेप का बता रही है, लेकिन इस तरीके की कहीं पर भी टीवी मीडिया पर अखबार में कहीं पर भी रेप का नाम, लेकिन रेप हुआ है लड़की साथ। अगर आप भी लगाओ, अगर एक्शन होता कपड़े तन पे कपड़े तो होते, लेकिन कपड़े एक भी नहीं है तन पे, कपड़ा नहीं है उसके ऊपर तन पे एक भी। अच्छा, ये बताई जा रही है दुर्घटना हुई है, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि घटना हुई है तन पे, पुलिस वालों को बताए गए, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं गए बाद में, पुलिस वाले लास्ट में गए घटना के बाद गए पुलिस वाले भी। आप लोगों को कब मिली, किस हालत में मिली लड़की? लड़की फोन आया था इसकी मम्मी पास 7 बजे फोन आता सुबह कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट, आपकी लड़की खत्म हो चुकी है, आप एक बार घर पे आ जाओ, वहाँ थाने आ जाओ। तो लड़की मम्मी इसकी में थाने जाती सुबह, लोग हम सब गली के खट्टों के थाने में जाते हैं, तो लड़की जब भी बॉडी नहीं दिखाई थी, लड़की की बॉडी दिखाई, फिर हमने शोर मचाया कि बॉडी दिखाओ, फिर हमने राखी बिल्ला की मतलब गाड़ी वाड़ी बहुत बुरा, वहाँ थाने में हमने बहुत कुछ करा वहाँ पे जाके, तो उन्होंने जब भी सुनवाई नहीं कही, लड़की की बॉडी नहीं दिखाई वहाँ पे, बिल्कुल भी बॉडी नहीं दिखाई लड़की की, आज भी बॉडी लड़की की हमने घर पे देखी बॉडी, तो लड़की पूरी शक्ल देखने लायक नहीं थी, लड़की की शक्ल पूरा कुचल रखा था लड़की का, शक्ल जरा सी भी नहीं दिखी लड़की। क्या हुआ है, दोषियों को पकड़ा गया है ना? हाँ, लड़की पकड़ा गया है, उसके बाद आपकी डिमांड क्या है? फांसी हो जाए उनकी तरफ से, फांसी हो, जब फांसी होगी तभी तो आगे भी हमें भी खतरा है ना, हमें भी सुविधा चाहिए ना। टीवी मीडिया इस तरीके से दिखा रही है कि लड़की ही दोषी थी, कि वो लड़कों के साथ होटल गई थी, इस तरीके का बताया जा रहा है। ठीक है, लड़की का झगड़ा भी हुआ था, लड़की कहाँ में बताना, मीडिया वालों कहाँ में बताया, तो लड़की लेकिन गलत नहीं है, अगर लड़की ने भी गलत होती चलो लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तन पे तो कपड़ा होना चाहिए लड़की के, कपड़ा कहाँ गया लड़की के तन पे से, हम भी कपड़े कितने पैर के, तन पे तो कपड़ा होना चाहिए लड़की के, कपड़ा कहाँ गया लड़की का बताओ तो, एक बारी
कुछ भी नहीं है लड़के तन पे, एक भी कपड़ा नहीं लड़की के। क्या तो रही हूँ, अभी तक क्या हुआ है यहाँ पर? शाम होने को आ गई है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई हुई है, अभी लड़की को बॉडी अंदर ले गए, देखो क्या बात होती है अंदर जाके। अभी शमशान घाट मतलब पहले मोर्चरी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह अभी आने के लिए वहाँ पे मना कर दे, रेप कुछ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम में ये लिखा हुआ है कोई रेप नहीं हुआ है, लेकिन रेप हुआ लड़की के साथ। आप बता रही है, कैसे बता सकती है? क्योंकि लड़की की घटना ही देखो ना, पूरी वीडियो देखो, लड़की की घटना इतनी गंदी, एक्सीडेंट से देखा नहीं जा रहा, पूरा शरीर नोच रखा लड़की का, इधर आ जाइए, शरीर का बिल्कुल। क्या नाम है आपका? साहिल नाम है जी। साहिल नाम है, साहिल आपने देखी है वो दुर्घटना जो बताई गई? आप यहीं पे रहते हैं, स्थानीय लोग हैं? सुल्तानपुर के हैं जी हम। अच्छा, जानते हैं आप जिसके साथ ये घटना हुई है? ये भी सारे ऐसे नहीं आ रहे, ये सब जानते हैं जी। हाँ जी, ये जो बताया जा रहा है कि दुर्घटना हुई है, मतलब उसको बताया जा रहा है कि मतलब ये घटना नहीं हुई है, करा नहीं गया है, ये घटना मतलब दुर्घटना बताया जा रहा है? दुर्घटना वो तो बताएंगे जी, जो लड़की के घर वाले बताएंगे, लड़की को बताएंगे आज ही मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ये तो नू बता देंगे जी, आज ही फलाना होके आ रही है जी, एक डिगड़ा करके आ रही है, ये तो बताया गया, झूठ बताया गया ना ये बात। तो लड़की तो फोन करके बताएगी मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, मम्मी वहाँ जा रही हूँ, ये तो झूठ बता रहे ना, इनसे पूछो घर वाले से कहाँ जा रही है, ये तो पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं ना। मगर बताया जा रहा कि वो तो होटल में गई थी, ऐसे लड़कों से, दो लड़कों से तो बात करते हुए मीडिया दिखा रही है। ये तो गलत है जी, होटल में गई तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, होटल में गई थी, मगर ये देखो इतने 13 किलोमीटर मायने होता है जी, 13 किलोमीटर घसीटा जा रहा है गट्टी, और उसके चौक पे आप भी इस टाइम भी जाओगे ना, आज ही रात पे भी जाओगे ना, वहाँ पर जिप्सी खड़ी रहती है, मगर जिप्सी तो पी के रहती है। आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। इतनी सर्दी है, इतना कपड़ा हम लोग पहन लेते हैं, तो गाड़ी में कहीं तो कपड़ा रखेगा, हाँ। कहीं तो रुकेगा, जो तन पे एक कपड़ा नहीं उसके, तो कुछ ना कुछ तो हुआ। अच्छा, महिलाओं को लेके क्या कितना आप मतलब सोचती हैं कि महिलाएं वाकई में सुरक्षित है यहाँ पर? इतना 7 बजे 6 बजे अंधेरा हो जाता है सर्दी में, तो लगता है आपको दिल्ली में नहीं है जी? इसी रोड पे 10 बजे के बाद देख लो तो यहाँ पे लड़के ही मिलेंगे खड़े हुए, वो तो इसी रोड पे कि यहाँ कोई औरत तो सुरक्षित है ही नहीं। पुलिस की गाड़ी वगैरह मिलती है यहाँ पे कहीं पर? यहाँ पुलिस तो देखती ही नहीं है, पुलिस देख के भी अनदेखा कर देती है, गाड़ी नहीं रोकती है। अंदर आ जाइए आप आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आप यहीं रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। मेरा 13 साल के बच्चे का मर्डर हो गया है, अभी तक पुलिस वालों ने मुझे कोई आरोपी पकड़ के नहीं दिए। मेरा 13 साल का बच्चा था, रितेश नाम था उनका, विजय बिहार लाल क्वार्टरों में रहती हूँ, एक सेक्टर थाने में मेरा केस चल रहा है। 17 दिसंबर को उनकी लाश मिली थी और 18 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ था मेरे लड़के का, लेकिन मुझे अभी तक मुझे पुलिस वालों ने कोई इंसाफ नहीं दिया, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। या तो यह हो सकता कि पैसा खा के पुलिस वालों ने मेरा केस दबा दिया। मुझे ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का ना इंसाफ चाहिए। मैं जब भी पुलिस में जाती हूँ तो पुलिस वाले ये कहते हैं आपको कुछ पता चला, अरे मुझे पता चलेगा तो मैं थाने में क्यों जाऊंगी आपके पास? आप यहाँ पर अभी आई है, आपको तो पूरा घटना पता होगी कि क्या हुआ है। नहीं अभी तो मुझे कुछ लड़की का पता है ना आपको क्या हुआ है? बस यही पता कि भाई इनके साथ कोई हादसा हो गया, बस यही पता मुझे। तो ये तमाम लोग जो है स्थानीय लोग, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके की घटना को दुर्घटना बताया जा रहा है कि भैया ये हो चुका है, ऐसा हुआ है, घसीटते हुए लेके गए हैं। आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील नाम है। यही रहते हैं? हाँ, रहता बुद्ध बिहार रहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, एकजुट हुए हैं, क्यों आए हैं? भीड़ देख कर जुट गए हैं या वाकई में पता है कि आज हमारी बच्ची भी है, मेरी बच्ची भी है, जाती है हर समय, यही फिक्र लगा रहता है, कभी बार बार ही फोन करना पड़ता है, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। तो ये इस तरीके से अगर मतलब अगर यही माँ बाप जिम्मेदारी करते रहे घर में तो उनको फिक्र रहेगी तो बेटी कब सुरक्षित होगी, और अगर हम घर पे बिठा लें तो कह रही है सुरक्षित है भाई बेटी, सुरक्षित है बताओ, अगर सुरक्षित है तो क्यों हो गया? सुरक्षा दी जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ सुरक्षा दी जा रही है मुझे बताओ ना। अगर सुरक्षा ही दी जाती तो ये हाल क्यों होता बताओ? ये सबके बच्ची हैं, सबके अब सब महंगाई इतनी है आजकल, एक आदमी अगर घर में करने वाला हो तो गुजारा नहीं होता। बेटी कहती है कि कुछ हम बढ़े आगे, वो लड़की शायद अपने घर का, हाँ घर का परिवार का सहारा। हाँ, यही सोच के बेटियाँ बाहर निकलती है, लेकिन अगर यही हाल होता रहा तो बेटियाँ कैसे निकलेंगी बाहर, बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर कश्यप है, बुद्ध विहार से मैं रहता हूँ। अभी यहाँ पर भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं या वाकई में उस जी हम दर्द जो बांटने आए हैं, और हमें जो ये जो घटना के बारे में पता लगा, बहुत भीषण जो दर्दनाक घटना है, ये हीनियस क्राइम माना जाता है इसमें, और दिल से हम दुखी हैं। बहन बेटियाँ सबके घर में होती हैं, हमारे भी घर में है,
और इस तरह से अगर जो घटनाएं होती रही तो आगे हमारे जो बहन बेटियां घर से बाहर निकलने के लिए जो बिल्कुल भयभीत हो जाएंगी, और इसको रोका जाना चाहिए। अगर जो पुलिस सही समय पर मुस्तैद होती तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जगह जगह के जो जो फिल्में दिखाई गई है, इसका जो कट दिखाए गए हैं, उसमें जो पुलिस है जो पूरी तरह से ड्यूटी पे नहीं थी, तैनात नहीं थी। और आज भी आप जाके देखेंगे पुलिस है जो रात को 2 बजे के बाद में लोग बाग सो जाते हैं सर्दी के अंदर, और जो क्राइम करने वाले अपराधी लोग हैं जो बढ़ते जाते हैं, उनके जो हौसले बढ़ते जाते हैं। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, चाहे उसके अंदर दिल्ली हो या भारत का कोई भी राज्य हो। क्या नाम है आपका? डॉली। क्या उम्र होगी आपकी डॉली? मैम 25 है। 25 है, आप लड़की हो, रात बिरात कहीं जाती हो, पढ़ने जाती हो? हाँ। पढ़ाई करती हो, जॉब भी करती हो क्या? नहीं, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती हो? यस। तो आपको लगता है कि महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं यहाँ? नहीं, हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है कि आए दिन एक से केस मिलते हैं, लड़कियाँ रात को नहीं निकल सकती हैं। जैसे दामनी वाला केस हुआ, अभी प्रियंका का भी हुआ, तभी फिर एक और केस हुआ, आए दिन मिले महिलाओं के 35 टुकड़े सब मिले गए हैं, ऐसे ऐसे टुकड़े मिल रहे हैं। तो इस पर ऑब्जेक्शन उठना चाहिए। मैं ये कहूँगी जल्द इनको फांसी मिले जिसको ये कारनामे हो रहे हैं लड़कियों को लेकर। घटना को जो है दुर्घटना बताई जा रही है कि भैया ये हो गई। हाँ, 12 एक्सीडेंट बताया। हाँ, तो मैम ये नहीं लगता है कि एक्सीडेंट जिस तरह हुआ है उसके हर जगह हुआ है। और ये दिखता है किसी को, दिख रहा है किसी के आगे फूट रही है, इसमें ये है, ये एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कह सकता है ये एक्सीडेंट दिख रहा है इसको? जो है जो भी कोई कह रहा है इसको क्या है, वो दिख रहा है एक्सीडेंट? छोटा सा खाली आगे का हिस्सा तो गाड़ी का हुआ है। स्कूटी देखो ना लड़की की, स्कूटी क्या हुई है, आगे का केवल मुट्ठा मुट्ठा है उसमें, गाड़ी का कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मगर उसको किस तरीके से उसको दिया, बिल्कुल दृढ़ात्मा यहाँ से लेकर कंजा वाला जो पहुँचाया गया उसको, क्या पूरे मास्क भी उतर चुका था, उनके बहुत बुरा हाल हो रखा है। उन्होंने बोला जो चाय वाले ने खबर करी, और जब भी तो कर आज की डेट में कोई बंदा गाड़ी लेके जाता तो बंदे खड़े होते हैं, हेलमेट का तुम्हारा ये कहा है? उस टाइम पे क्या पुलिस सो रही थी उस टाइम पर? देखी अभी हम लोग गाड़ी लेके निकल जाए तो कहेंगे कि गाड़ी का लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। अरे उस टाइम पे कहाँ गए थे कि उनकी ड्यूटी, अपनी ड्यूटी तो संभालो पहले, ड्यूटी नहीं दिखाई दे रही उनको, ड्यूटी कहाँ गई इनकी? तो क्या लगता है ये दुर्घटना के पीछे मतलब ये, क्या है ये कि अगर पुलिस मौके पे होती या गाड़ियाँ खड़ी होती? कुछ तो रात होता है, जैसे अभी एक्सीडेंट होता है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है तो सलाम मसला होता है कि नहीं? वो 5 बंदे अब जरूरी है थोड़ा कि एक्सीडेंट हुआ है, हादसा कुछ और भी अलग भी तो हो सकता है। उसको केस को दुकाने के लिए बताया गया है कि जी केस में इसको कर दो काम इसका जो है। अब हम अपने मुंह से बोलेंगे या फिर अच्छा लगे किसी को थोड़ा लगेगा इस तरीके से जो है, मगर हमारे को तो लग रहा है जितनी जल्दी हो ना इस बंदे को, जैसे भी 5 बंदे हैं इनको फांसी के फांसी दे दी जाए बस, और ऐसी फांसी दे किसी को आज की डेट में कुछ समझे ना जो है। बोल लफ्ज बोलने के लिए नहीं निकलते, दर्द दर्द करता है। आज की डेट में अपनी बहनों को बाहर भेजने के लिए नहीं रो सकते कैसे, क्या क्या क्या, और इनका मतलब जी ऐसा हो गया ना। मैं कहता हूँ सरकार से, सरकार हाथ जोड़ के प्रार्थना कि इनकी जो ऐसी दशा कर दे कि आगे कोई लड़का या मैं भी हूँ कोई भी हो एडवाइजेड कुछ कोई करे ना ऐसे जो है। तो आपको लगता है कि दामिनी केस जब हुआ था उसके बाद जो इतनी लगातार घटनाएं आ रही हैं, लगातार महिलाओं के साथ हो रहा है, कहीं जहाँ पर जिसके साथ बलात्कार, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उसको उनको मालाएं पहनाई जा रही है, ये सबसे बड़ा सारी बात। देखो ये भी नहीं कह सकते हम कि लड़के ही गंदे हैं, कई जगह लड़कियां भी ऐसी आ जाती हैं कि उसको जरा सा आरोप दे दिया कि लड़को, पहले जांच करी जाए अच्छी तरीके से, जांच के तरीके से काम होगा, मगर इसमें तो जांच नहीं, इसमें तो डायरेक्ट फांसी दे दी जाए, इसमें ये तो जांच वाला है ही नहीं सिस्टम जो इसमें जांच करी जाए। यहाँ से 13 किलोमीटर कोई फांसी मिलेगी उन्हें? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जा रही है। आपको लग रहा है कि इस देश में बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जा रही है तो आपको लगता है कि फांसी मिलेगी? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फांसी दी जाए, अगर नहीं दे, अगर सरकार नहीं दे सकती ना तो पब्लिक बैठी है ना, फिर पब्लिक हाथ दे दे, पब्लिक अपने आप कर ले क्या करना है उसको, पब्लिक हाथ, कानून जो है, कानून लेना जानते हैं, जब कानून देना जानते हैं, सरकार बनाना जानते हैं ना, तो कानून देना भी जानते फिर वो उसको। जिस तरीके से हम सब युवा लड़के जो लगे रहते ना, अब आम आदमियों को चिताओ, किसी को भी चिताओ, ठीक है नहीं, उस तरीके सरकार को जैसे हम बनाते हैं उस तरह घटा भी सकते हैं सरकारों को। अगर हमारी बहन बेटी की कहीं सुरक्षा नहीं है ना तो इस तरह हम घटा सकते। हमारी बहन बेटियों को बोला गया, हम आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि महिला की सुरक्षा करेंगे, यह सुरक्षा हो रही है आम आदमी पार्टी से, महिला लड़की घर से निकल लिए। पार्टियों की बात मत करो, सरकार भी तो बोलती है प्रांगण से, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भैया महिलाएं सुरक्षित हैं इस देश में। कहाँ सुरक्षित है, कहीं दिख रहे सुरक्षित है? ये दिख रहे सुरक्षित? क्या ऑब्जेक्शन है, आप महिला नहीं निकल सकती? जब एक बॉयज निकल सकते हैं घर से, क्या महिला नहीं निकल सकती घर से?
महिला को भी तो निकलने का हक है, बेचारे वो निकल रही है तो उनके साथ ये कारनामे हो रहे हैं, तो इस पर जल्द कार्रवाई की जाए। हम ये नहीं कहते कि फांसी मिलनी चाहिए, बस सीधी सी बात, देखो आज हम भी बेटी हैं। क्या नाम बताया था अभी? डॉली। डॉली, डॉली अभी जैसे मैंने इनसे अभी सवाल किया, ये अपनी बात रख रहे थे, मैं ये कहना चाह रही हूँ जिस देश में बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जा रही हों, क्या उस देश में हम सोच सकते हैं कि उनको फांसी मिलेगी या उनको सजा मिलेगी? मैम देखो, सिर्फ फांसी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि देखो हमारे देश में ये नहीं कहते, हमारा देश माला वाला नहीं पहनाता उनको, माला नहीं पहनाते हैं, सीधे उनको फांसी इसलिए मिलनी चाहिए। किसानों के जो आरोपी छूट के आए, देखा नहीं आपने, माला पहनाई गई, संस्कारी बताया जा रहा है। हाँ बताया जाता है, देखो ये सब क्या, तो पैसों की पावर होती है, जैसे अच्छा पैसा है तो वो तो अपने बेटे को हर किसी को निकलवा लेगा। हमारे गवर्नमेंट में ये हो गया कि पैसा देने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, जहाँ पैसे भरोगे वहाँ से बच्चा हमारा निकल ही जाएगा। ये देखते हमारे बच्चे ने क्या करा है, क्या कारनामे नहीं करा है। अब जो पांच इन्होंने करा है, तो अगर अच्छा पैसे वाला होगा तो वो तो आराम से निकलवा लेगा, अपने बच्चे को निकल पाएगा ना। अब मैं तो ये कहूँगी मैम, जितना बस फांसी दिलाओ, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ये न्यू ईयर मनाया जा रहा था, बताइए जिस है ना 2024 की स्वागत किया जा रहा था, न्यू ईयर मनाया जा रहा था, वो लड़की भी तैयार होके गई थी, लेकिन ये देखिए कि जिस पीड़िता के साथ घटना हुई है उसी को ही दोषी बना दे रही है पूरी मीडिया, बता रही है कि वो लड़कों के साथ गई थी, होटल गई थी। वो एक मतलब कि अच्छे काम वाम मतलब काम करती थी, गरीब परिवार से बिलोंग करती है वो लड़की, जो हमने न्यूज पढ़ी देखा अपने उधर, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी लड़की, वो काम करती थी अपने जैसे की मैनेजमेंट हो गया, शादी वादी के फंक्शन हो गए, उसकी तैयारी करती थी। तो वो उस टाइम पार्टी में भी वो भी गई थी, तो वहाँ से 3 बजे निकल रही थी वहाँ से, तो वो पांच लड़के थे, वो इसको अपने कार में थे, फुल डीजे की पावर थी, उनके डीजे चल रहे थे गाड़ी के अंदर, वो लोग जा रहे थे और लड़की अपनी स्कूटी के क्रॉस कर रही थी, उस दौरान ये केस हुआ है, यही सुनने में आया और यही हमने पढ़ा। टीवी मीडिया तो जाकर के लड़कों से बात भी कर रही है, उस होटल में भी पहुंच गई है, तो ये मैम गलत है ना, जो कर रहा है उनको डायरेक्ट केस दे, उनको फांसी की सजा दी जाए, इसलिए तो फांसी की सजा दी जाएगी तभी कुछ होगा ना, हमारा देश तभी सुधरेगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। एक उनको वार्निंग मिलेगी, हाँ सभी लड़कों का अकल आएगी, ये नहीं कहते लड़कियां की, सभी लड़कों का अकल आएगी। आपको लगता है कि सख्त कानून बनाए जाने चाहिए लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी और हर जगह तैनाती हो, लड़कियों के लिए भी और लड़के के लिए भी है, सबके लिए इक्वल होने चाहिए। अच्छा कहीं तो आती जाती होगी, कभी देखा है कि 6-7 बजे के बाद यहाँ पुलिस गाड़ियां खड़ी रहती है जैसे पेट्रोलिंग के लिए, या ऐसे खड़ी हुई मिलती है आपको, दिखती है? सात लास्ट 10 बजे तक पुलिस रहती है, उसके बाद नहीं, अभी तक ऐसा नहीं देखा कि 10-12 बजे तो लास्ट हो जाता है ना, तो लेट पर रहती है 10 बजे तक। हाँ लास्ट 10 बजे तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती। तो ये जो घटना हुई है उस वक्त ये पुलिस नहीं थी वहाँ, कोई पुलिस नहीं थी रात के टाइम में, कोई पुलिस थी 3 बजे के टाइम था, तो पुलिस तो ऑब्वियसली नहीं होगी, सब अपनी अपनी ड्यूटी अपने अपने निभाते हैं। 31 तारीख की रात को वहाँ कोई पुलिस नहीं, पुलिस अलग अलग जगह तैनात थी, नया साल था, नहीं उधर उस साइड पुलिस ऐसा हमने देखा कुछ नहीं था उधर पुलिस का। तो तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं पूरी घटना की जो जांच की जानी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। महिलाओं का यहाँ पे ये भी कहना है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन उस घटना को जो है दबाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके शरीर पर जो है कपड़े नहीं मिले हैं पूरी तरीके से, और पूरी बॉडी जो है आप, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उसकी बॉडी जिस हालात में मिली है, पूरा मांस निकला हुआ था। इस तरीके की घटना को, दिल दहलाने वाली इस घटना को जो लगातार पुलिस लीपापोती कर रही है, उसको बताया जा रहा है कि घटना हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में महिलाएं कितनी कितने अच्छे तरीके से सुरक्षित हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस घटना को बराबर जो तवज्जो देते हुए बताया जा रहा है, और सोचिए जो विक्टिम है उसी को एक्यूज़ बना दिया जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो विक्टिम होता है उसी को एक्यूज़ बना दिया जाता है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंतिम दाह किया गया है उस लड़की का, ये शिवपुरी मुक्ति धाम है, यहाँ पर ही उस लड़की को लाया गया मोर्चरी से, जब उसकी बॉडी को लाया गया तो यहाँ पर ही ला कर के अंतिम दाह किया गया, और अंतिम दाह कर दिया जाने के बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है उसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि ये पुष्टि की जा रही है कि उसके साथ किसी भी तरीके की जो है गलत घटना नहीं हुई है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। लेकिन स्थानीय लोग और महिलाओं का कहना है कि एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं मिला है, तो उसके साथ इस तरीके की घटना हुई है, यानी कि उसके साथ रेप हुआ है। ये यहाँ पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि ये मंगोलपुरी के बाई ब्लॉक का शमशान घाट है,
और शमशान घाट की आपको सीधी तस्वीरें मैं अब दिखा रही हूँ। यहीं पर अभी जो है लड़की का बॉडी, जो पार्थिव शरीर है, वो यहाँ लाया गया था और उस बॉडी को ले जाया गया है, अंतिम दाह करने के लिए लाया गया था। तो यहीं पर ही, यहाँ पर अभी स्थानीय लोग सभी मौजूद है, पूरी टीवी मीडिया जिस तरीके से यहाँ पर गिद्ध की तरह मौजूद है, क्या इस हकीकत को दिखाएगी कि जो उस लड़की के साथ घटना हुई है, जिस तरीके से हर बार जो दामनी जैसा केस हो जाता है, ये अब जो बड़ी घटना हुई है उसके बाद लगातार जो मीडिया खड़ी हुई है, लेकिन उसको छिपाने की शायद कोशिश की जा रही है, लगातार इस तरीके के बयानबाजी भी आ रही है, लड़की को ही दोषी भी बना दिया जा रहा है कि क्या 31 की नाइट को वो होटल गई थी, इस तरीके के जो बताए जा रहे हैं लड़कों के साथ थी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, लेकिन क्या ये सब पुष्टि की जा रही है, क्या ये वो लड़की की क्या अपनी इच्छाएं नहीं हो सकती, क्या वो वहाँ जा नहीं सकती या कहीं घूम फिर नहीं सकती, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ी दुर्घटना होने के बाद उसको छुपाने की कोशिश की जाती है इस देश में। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में और यहाँ सामने सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। उसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, मंगोलपुरी, दिल्ली।